हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माव लाइफ। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, आज है संडे 26 सितंबर, एंड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मेरे हस्बैंड आ गए हैं एंड हम वापस घर जाएंगे, तो हम आज ही निकलेंगे संडे को। टिकट्स बुक हो गए थे पहले से, जब जिस दिन वो आए थे उसी दिन उन्होंने हमारे टिकट्स रिटर्न के वापस बुक करवा दिए थे। तो शाम को 8:30 बजे की ट्रेन है, बाय ट्रेन जाएंगे। एंड पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है मेरी, लाइक ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है। बस थोड़ा बहुत कुछ सामान है, कुछ कपड़े गीले हैं दीवी के तो वो रखने हैं, एंड कुछ मेरे कपड़े वगैरह रखने हैं। सो बस यही कुछ रखना है। एंड अभी तो मेरे हस्बैंड श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए गए हैं। काफ़ी फेमस है राजस्थान में श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में है, तो उनका मन था दर्शन करने के लिए जाने का, तो गए हैं वो मेरे भैया के साथ, छोटे वाले भैया के साथ। मुझे भी बोल रहे थे वो, बट सब मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी एंड दीवी को इतनी भीड़ में ले जाना, तो इसलिए मैं नहीं गई, तो वो चले गए। एंड बस यही था कि अब हम निकलेंगे शाम को। अभी थोड़ा बहुत कुछ और मुझे पैकिंग करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ, एंड वो लोग समथिंग 3:30 या 4 बजे तक वापस आएंगे। 11:30 बजे कुछ निकले थे वो यहाँ से, 10:30 बजे, तो बस यही था। एंड आज मुझे एक वीडियो अपलोड करना था, बट आज हमारे यहाँ राजस्थान में नेट बंद है, बिकॉज आज रीट का एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो नेट बंद कर रखा है। काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगभग 26 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंड तो आज वही है। एंड बोल रहे हैं काफ़ी लोग की बहुत भीड़ होगी ट्रेन वगैरह में, बसेस वगैरह में, बट उस वक्त हमको ध्यान नहीं था तो हमने रिजर्वेशन करवा दिया था आज का, इसलिए। बट देखते हैं क्या है, वैसे तो शायद ही हो भीड़, बिकॉज सिर्फ जो ये वाली ट्रेन है जिसमें हम जाएंगे वो चित्तौड़ तक, मतलब राजस्थान की जो उसकी सीमा है वो चित्तौड़ तक ही है, देन उसके आगे फिर MP लग जाता है, तो शायद ही भीड़ हो, कम ही होगी भीड़। तो वैसे भी रिजर्वेशन का है तो कोई इशू नहीं है। एंड अभी लंच नहीं किया है तो मुझे लंच करना है। पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ एंड थोड़ी सी कुछ पैकिंग बाकी है मेरी वो कर लेती हूँ, फिर मैं लंच करूँगी। मम्मी ने आज बनाई है दाल बाटी एंड लड्डू, चूरमे के लड्डू, राजस्थान का फेमस खाना है ये, दाल बाटी और चूरमे के लड्डू, तो वही बनाया मम्मी ने, तो खाएंगे वो लंच, यही है खाएंगे, देन शाम को देखते कुछ हल्का फुल्का अगर मन हुआ तो खा लेंगे। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बैग्स कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं एंड कुछ बैग्स मेरे इधर रखे हुए हैं, अभी ये सारा बिखेरा पड़ा है, अभी मुझे थोड़ा सा सेट करना है, बैग्स को पैक करना है, बस थोड़ा बहुत ही है ये, इनको रखना है अंदर, कुछ दीवी के एंड मेरे कपड़े हैं गीले तो वो रखना है, सूख जाएंगे शाम तक, पर लगता नहीं है सूखेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत कम धूप निकल रही है, कभी रिमझिम बारिश हो रही है तो कभी धूप आ रही है, दोनों चीज़ें हो रही है, तो कपड़े सूख ही नहीं रहे, क्योंकि बिकॉज कपड़ों को वापस हटाना पड़ रहा है कि वो कहीं फिर से गीले ना हो जाए, जो थोड़े बहुत भी सूखे हुए हैं वो, तो चलिए मैं थोड़ा ये काम करके, ये सारा मेरा फैलारा जो पड़ा है उसको सेट करके फिर आपसे बात। हे गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी हो रहे हैं 7:30, बस अब हम निकलेंगे एंड थोड़ी जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा है सामान वगैरह रखने में, और रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी रहता है, बारिश का मौसम है, तो इस वजह से अब निकलेंगे बस। एंड मैं दिन भर उसके बाद से आपसे बात ही नहीं कर पाई, बिकॉज बहुत बिजी हो गई थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिला फ़ोन को हाथ लगाने का, तो मैंने अब जाके फ़ोन को हाथ लगाया है। मैं अभी चाय पी रही हूँ बिकॉज मेरा मन था कि चाय पी लूँ एक बार और फिर उसके बाद निकले। सारी तैयारियाँ हो गई है, सब कुछ रेडी है, बैग वगैरह सब कुछ नीचे उतार दिए हैं, ऑटो वाले को भी फ़ोन कर दिया है, पर मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार बात कर लूँ फिर निकलूँ, तो चलिए चलते हैं। हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड ये हमारी ट्रेन जिसमें हम जाएंगे, आगे मेरी मम्मी मिक्कू और मेरी मम्मी की गोद में है दीवी एंड मेरे भैया जा रहे हैं आगे बैग्स लेके। जो ये हमारी ट्रेन है वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट पे ही खड़ी रहती है, तो हमको ऐसे दिक्कत नहीं आती है कि उधर दूसरी साइड जाना है या ऐसा कुछ, तो इजीली चले जाते हैं हम। एंड बस ये लास्ट डे था मेरा उदयपुर में,
मतलब दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि अब जाना है, एंड ऐसा रहता है ना कि हाँ जाना ही है, तो दोनों मिक्सअप फीलिंग रहती है कि थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होता है। एंड ये हूँ मैं मेरे पापा के साथ, साथ मेरे पापा चल रहे थे एंड सब लोग मुझे छोड़ने आए थे रेलवे स्टेशन। ये मिक्कू, हाँ उसको बोल रही थी मैं सबको हाय बोल। ये है मेरे बड़े भैया एंड मिक्कू को ऐसा लग रहा है कि ये ना वो भी हमारे साथ चल रही है, बट अभी छोटी है वो काफ़ी, तो उसे नहीं ले जा सकते हैं साथ में। एंड आपको दीवी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज अभी इस वक्त वॉइस ऑल करते वक्त वो मेरे पास में ही है, इसलिए चिल्ला रही है। यहाँ पे दीवी भी काफ़ी खुश है, तो फर्स्ट टाइम मैं उसके साथ ट्रैवल करूँगी ट्रेन में, तो देखते हैं कैसा रहता है। एंड चलिए चलते हैं। मेरे छोटे भैया एंड मेरे हस्बैंड दोनों आगे निकल गए थे वो ट्रेन में, उन्होंने रख दिया था सामान। एंड आपको हाय बोल रहे हैं सब, मिक्कू मेरे बड़े भैया। तो बस यही था, पापा वहाँ खड़े हैं, पापा बोल रहे हैं कि फ़ोटो ले लो यार मेरा ट्रेन के साथ। तो अब फोटोग्राफी वगैरह होगी थोड़ी बहुत, देन फिर बस ट्रेन 8:35 पर निकलेगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम था उस वक्त, तो शायद 8 या कुछ ऐसा बज रहे थे, तो बस चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो हम लोग आ गए हैं घर। मैं कल का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मंडे है तो 5:30 बजे कुछ हम पहुँच गए थे यहाँ पे, एंड घर आते आते हमको 6 बज गई थी। तो आने के बाद फिर हम सो गए थे, मैं एंड दीवी हम दोनों सो गए थे। मेरे हस्बैंड तो उनकी क्लास लेने के लिए चले गए थे, 7 बजे उनकी क्लास रहती है तो वहाँ चले गए वो, एंड हम लोग तो सो गए थे। देर उसके बाद अभी हो रहा है 2:30, मेरे को टाइम ही नहीं मिला फ़ोन को हाथ लगाने का, बिकॉज़ मेरे इन-लॉज़ भी अभी यहाँ नहीं हैं, वो भी शाम तक आएंगे, बाहर गए हुए थे। तो दीवी को भी संभालना एंड काम भी करना, काफ़ी सारा कुछ काम था। इतने दिनों बाद घर ओपन हुआ था, क्योंकि बंद था घर, कोई भी नहीं था यहाँ पे, मम्मी पापा वगैरह हम लोग भी वहाँ थे, तो इस वजह से सफाई वगैरह करी मैंने। एंड दीवी भी परेशान करती बीच बीच में, तो टाइम नहीं मिला मुझे हाथ लगाने का फ़ोन को, तो मैंने अभी फ़ोन को हाथ लगाया एंड अब आपसे बात कर रही हूँ मैं। कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं किया दीवी ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको अकेले लेके ऐसे ट्रैवल करा है ट्रेन में, फ़र्स्ट टाइम ही ट्रैवल करा है उसको लेके, तो थोड़ा टेंशन हो रही थी कि क्या पता वो
कैसे क्या रिएक्ट करेगी, रोएगी या परेशान करेगी, बट उसने ज़्यादा ऐसा परेशान नहीं करा। ठीक था हमारा सफ़र, अच्छा निकला। एंड यस, मुझे आज वैक्सीनेशन के लिए भी जाना था बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज़ अब पता नहीं मम्मी पापा शाम तक आएंगे, देन उसके बाद तो क्या जा पाऊँगी मैं, अब कल ही जाऊँगी। फर्स्ट डोज तो लग चुका है मुझे, सेकेंड डोज लगवाना है तो बस वही लगवाऊँगी। एंड अभी तो दीदी सोई है, मैंने मेरा सारा काम कर लिया है एंड अभी फ्री हुई मैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी तो सामान ऐसे का ऐसा पड़ा है, बैग वगैरह सब कुछ मुझे अनपैक करना है, सब कुछ सही से रखना है वापस, काफ़ी सारा काम है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बिकॉज नाइट में क्या होता है ना कि भले आपने रिजर्वेशन कराया हो या बर्थ हो या ऐसी कुछ कुछ भी हो, बट फिर भी सो नहीं पाते हैं अच्छे से, तो नींद भी आ रही है, थकान भी हो गई है। तो थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को मैं आपसे बात करूँगी। हे गाइस, तो मैंने कल के बाद अब फ़ोन को हाथ लगाया है, मतलब मेरे को कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ या कुछ, गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे तो उसमें टाइम निकल गया। एंड मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे थोड़ा बहुत मेरे बैग्स जो है उनको भी अनपैक करना है, तो थोड़ा बहुत मैंने वो करा। एंड अभी भी मेरे रूम में पूरा फैलारा हो रहा है, मतलब सब दूर कुछ ना कुछ कुछ मैं आपको दिखाते, देखो पीछे भी यहाँ पे, ये इधर एंड ये टीवी मस्ती कर रही है, एंड ये बेड पे भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, यानी इधर भी कुछ बैग्स रख दी हुए नन्ना है क्या। सबको हाय कर दो बेटू, सबको हाय कर दो, हाय। अच्छा स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। तो गाइज, कल के बाद मैंने अब फ़ोन को हाथ लगाया एंड अभी भी शाम हो रही है, लाइक 7 o'clock हो रहा है। एंड सुबह वैक्सीन लगवा ली थी मैंने, गई थी मैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे कुछ वीकनेस था, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा। आपका खिलौना का बाथरूम कब गिरा दिया तूने बेटा? जाओ वो लेके आओ, डॉल लेके आओ, आपकी डॉल लेके आओ। तो वैक्सीन लगवा दी थी सुबह मॉर्निंग में एंड उसके बाद रेस्ट करा था थोड़ा, तो अभी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, थकान से लग रही है। तो पर अब सामान भी सब कुछ पैक करना ही है। हाँ बेटा, तो सब कुछ जमाना है, सब कुछ सेट करना है, तो वो काम भी ज़रूरी है। एंड वैक्सीनेशन के लिए गई थी, तो एक छोटी सी क्लिप है तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल बटन, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैं जब भी कोई न्यू वीडियोज डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।